डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास टेंथ में हम लोग साइंस में अम्ल क्षार लवण के अभ्यास के प्रश्नों को कर रहे हैं। अभ्यास में क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन तक के किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पहले लिखा जाए, नोट किया जाए, फिर उसके आंसर को हम लोग समझते हैं। तो लिखा जाए क्वेश्चन नंबर थर्ड, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl में उसी विलयन की कितनी मात्रा आवश्यकता होगी। पहला ऑप्शंस है 4 ml, 4 ml, दूसरा है 8 ml, तीसरा है 12 ml, चौथा है 16 ml। ये ऑप्शन है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सवाल ये बोल रहा है कि NaOH के 10 ml विलयन से HCl के 8 ml के विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यानी कि सवाल में हमें दिया है NaOH के 10 ml से HCl का 8 ml उदासीन होता है। इसलिए 1 ml NaOH के 1 ml से कितना होगा, कितना उदासीन होगा, तो 8/10 ml। इसलिए हमसे सवाल क्या पूछ रहा था कि NaOH का अगर 20 मोल रहता तो यहाँ 20 ml रहता तो इसको 20 से गुना कर देते हैं, 8/10, 10 × 20 और 8 × 16 ml। इस तरीके से चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 16। ठीक है, सवाल बोल रहा था कि 10 ml से HCl का 8 ml उदासीन होता है, तो 20 ml करेंगे तो कितना, तो 10 से 8 हो रहा है तो 10 का दुगुना किए 20, तो 8 का दुगुना कीजिए ऐसे भी 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 16। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा जाए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है या होता है, किस औषधि का उपयोग होता है, ये हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप ये समझिए, अपच का उपचार, अपच का मतलब क्या हुआ कि भोजन का नहीं पचना। और भोजन कब नहीं पचता है, जब आपके पेट में गैस की मात्रा होती है, गैस बनने की शिकायत होती है, समझ रहे हैं। और गैस बनता कैसे है, जब आप तेलीय भोजन करते हैं, जब वसा युक्त भोजन करते हैं, तब उसको हम लोग कहेंगे गैस बनना। और गैस बनने की शिकायत वो क्या कहलाती है,
अपच। तो याद रखिए, सवाल बोल रहा है कि अपच यानी कि गैस अगर पेट में बनता है, और उस क्यों बनता है, क्योंकि HCl की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसके उपयोग इस किस औषधि का उपयोग करना होगा? तो पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक। पहला एंटीबायोटिक ऑप्शन में है, उसको प्रतिजैविक भी कहते हैं, तो प्रतिजैविक लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। बी ऑप्शन है एनाल्जेसिक। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एनाल्जेसिक, इसको पीड़ाहारी भी कहते हैं। और तीसरा है एंटेसिड, तीसरा ऑप्शन एंटेसिड, और चौथा एंटीसेप्टिक। तो कुल मिलाकर हम लोग पढ़े हैं ना भाई, कि अगर गैस में अगर अम्ल की मात्रा हमारे पेट में अगर अम्लीय ज़्यादा हो जाता है, तब गैस बनने की शिकायत हो जाती है, उसमें हम लोगों का पेट समा समा सा रहता है, HCl की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उसको न्यूट्रल करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम लोग एंटासिड लेते हैं। याद रखिए, एंटासिड के बारे में पढ़े थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो सी होगा सही। चलिए 5वां क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। लिखा जाए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, तो फिफ्थ में है क्वेश्चन, निम्न अभिक्रियाओं के निम्न अभिक्रिया के पहले शब्द समीकरण लिखिए, शब्द समीकरण लिखिए, तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए, तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। जी हाँ, तो 5वां का जो भी क्वेश्चन है ए बी सी डी करके, सबसे पहले क्या करना है, जो भी अभिक्रिया बोला जाए उसको लिख देना है, और लिखने के बाद उसको संतुलित करना है। जैसे 5वां का ए नंबर लिखा जाए, पहले क्वेश्चन ए नंबर में लिखा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। चलिए, तो अब पहला काम कैसे संतुलित समीकरण लिखेंगे वो समझिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोला, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला लिख देंगे, H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसको दानेदार जिंक, तो दानेदार बोले तो दानेदार से मतलब नहीं रखना है, जिंक को ZN से सूचित करते हैं। अब ये बनता क्या है, तो ZnSO4 और प्लस में H2 बनता है। तो कुल मिलाकर ये समीकरण को तो लिख दिए, पहले लिख देना है उसके बाद समीकरण करना है, तो समीकरण को सॉरी संतुलित करना है। तो हाइड्रोजन दू गो तो हाइड्रोजन दू गो, ZN एगो तो ZN एगो, एस मैंने सल्फर एगो तो सल्फर एगो, ऑक्सीजन चार गो तो ऑक्सीजन चार गो। तो ये ऑलरेडी पहले से ही संतुलित है, तो खाली उत्तर में इतना ही बात को लिख देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले बोल रहे थे कि आप लिखिए, अगर नहीं है संतुलित तब कीजिए, यहाँ तो पहले ही से है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बी नंबर पहले क्वेश्चन लिखा जाए, तब उसका उत्तर लिखेंगे। जैसे ए का कैसे लिखे पहले क्वेश्चन, क्योंकि 5वां में ए बी सी डी करके क्वेश्चन है, तो ए नंबर क्वेश्चन लिखने के बाद उसका उत्तर लिखें, बी नंबर को क्वेश्चन को लिखिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। चलिए इसको लिखेंगे कैसे भाई, तो इसका उत्तर हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं HCl। ठीक है, ये हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम पट्टी का साथ अभिक्रिया, तो मैग्नीशियम पट्टी Mg होता है, Mg मतलब मैग्नीशियम, और जब इसके साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, MgCl2, इसको मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं, और प्लस में H2। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया। तो HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, Mg माने मैग्नीशियम, और दोनों अभिक्रिया करके समीकरण क्या लिखें, MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। Mg का एगो तो एगो संतुलित, अब करना ना शब्द समीकरण तो लिख दिया, उसके बाद हमको इसको संतुलित करना है। Mg एगो क्लोरीन दू गो, तो इसको दू से गुना कर दिया, हाइड्रोजन दू गो तो इधर दू से गुना कर दिया। तो इस तरीके से ये क्या हुआ हम लोगों का संतुलित रासायनिक समीकरण। ये हुआ पांचवा का बी का आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं सी पे, पांचवा का सी। सी में पहले क्वेश्चन लिखेंगे तब उसके नीचे उत्तर लिखेंगे। लिखा जाए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग क्या तीसरा क्वेश्चन में है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4, और ये एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो एल्युमिनियम को कहते हैं Al, ठीक है। तो Al हो गया, जब एल्युमिनियम चूर्ण बोले तो एल्युमिनियम ही समझना है, ठीक है। जिंक का दानेदार जिंक बोले तो जिंक समझना है, मैग्नीशियम पट्टी बोले तो मैग्नीशियम समझना है। तो ये हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल, जब इसको एल्युमिनियम के साथ कराएंगे तब क्या बनेगा। जी हाँ, तो इसके साथ बनेगा तो एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला था Al2SO4 का हॉल 3, ठीक है, और प्लस में H2 हाइड्रोजन। एल्युमिनियम कै गो भाई, तो दो गो, अब संतुलित कर दीजिए, दो गो एल्युमिनियम। सल्फर 3 गो, तो यहाँ सल्फर 1 गो है तो 3 से गुना कर दीजिए। ऑक्सीजन यहाँ पे भी 12 हो गया, यहाँ पे भी 4 थी 12। हाइड्रोजन 6 गो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को 6 कर दीजिए 3 से गुना करके। तो इस तरीके से ये जो अभिक्रिया लिखा हुआ है ये हम लोगों का संतुलित भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं डी, ठीक है। अब डी वाला में हम लोग देखेंगे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया। अच्छा, लौह के रेतन का मतलब क्या, लोहा, और लोहा को Fe से दिखाते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल रहा है HCl लिख दिया, उसके बाद लोहे का रेतन बोल रहा है, तो लोहे का रेतन का मतलब लोहा, दैट इज Fe। Fe मतलब होता है आयरन या लोहा। अब ये जब बनेगा आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, FeCl2 और प्लस में H2 बनाता है हाइड्रोजन। इसको कहते हैं फेरस क्लोराइड, ठीक है, फेरस क्लोराइड। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब ये तो शब्द समीकरण लिख दिए हैं, लेकिन सवाल बोला कि उसको संतुलित भी करना है। तो हाइड्रोजन 1 गो, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्लोरीन भी 2 गो, क्लोरीन भी 2 गो, आयरन 1 गो, आयरन 1 गो। इस तरीके से हम लोगों का पांचवा तक के क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। तो दोस्त अम्ल, क्षार और लवण का ये अभ्यास वाला क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पांचवा के सभी क्वेश्चंस को कर चुके हैं। तो अगले आने वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।